सिविल इंजीनियर साहब को देखिए कैसे मटर को साफ कर रहे हैं, और उससे पहले प्याज, लहसुन और उसमें पड़ने वाले तमाम आइटम्स को काट पीट कर उसे इकट्ठा कर लेते हैं, और सब कुछ बड़े साफ सफाई के बाद उसे अच्छे से पकाते हैं। बड़े बर्तन में अलग पकाते हैं, इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों में पकाने का तरीका इनका एकदम अलग है, और जब दोनों पककर तैयार हो जाता है तो बस खाने वालों का तांता यहीं से शुरू हो जाता है। यह मटन बनाने वाला आखिर है कौन? एक सिविल इंजीनियर जो इसका मास्टरमाइंड है, और आज नॉनवेज की वजह से यह पूरे गोरखपुर का मास्टरमाइंड नॉनवेज वाला बन चुका है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में सोंधी सोंधी खुशबू, जिसके मटन और चिकन बना हो तो कितना लाजवाब होगा। आइए और खा कर देखिए, क्योंकि बनाने वाला कोई और नहीं, समस्त कारीगरों को समझा कर एक एक चीजों को बारीकी से बना कर से पकाने वाला कोई और नहीं बल्कि एक सिविल इंजीनियर। आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसे दुकान के बारे में जहां आप देख सकते हैं लाइन से कितनी गाड़ियां लगी हुई हैं। आखिर ये इतनी गाड़ियां लगी क्यों हैं? यहां पे इतनी गाड़ियां लगने की जो वजह है, मटन बनता है वो भी मिट्टी के हांडी में मटन बनता है, और जो लोग भी इस रोड से एक बार गुजरते हैं वो इसके स्वाद को देखते हुए और एक बार इस दुकान को देखते हुए जरूर आते हैं इस दुकान पे। आइए हम बात करते हैं कि ये आखिर लोग यहाँ पे क्यों आ जाते हैं, खींचे खींचे चले आते हैं, आखिर यहाँ पे इस दुकान की खासियत क्या है। सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है, और ये बताइए कि जो लोग भी इस रोड से गुजरते हैं तो इस दुकान पे ऐसी क्या खासियत है जो खींचे खींचे चले आते हैं? सर इस दुकान को स्टेबल हुए अप्रॉक्सीमेट 15 साल से ज़्यादा हो गया है गोरखपुर में, और ये गोरखपुर का एकमात्र ऐसा ब्रांड है जहाँ पे ओरिजिनल नॉनवेज, मतलब बिल्कुल शुद्ध जो खाने लायक चीज़ें होती हैं वो चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ ही प्रोवाइड की जाती हैं। गोरखपुर में सबसे पहले हांडी मटन की स्टार्ट 2008 में बिंदास के नाम से मेरे पिताजी ने की, जिनका नाम रवि प्रताप सिंह है, लोग बाबू साहब के नाम से उनको जानते हैं, और उन्होंने ही सबसे पहले हांडी मटन का स्टार्ट गोरखपुर में किया था। उसके बाद से जो शुद्धता और स्वाद की परंपरा हम लोग लगातार चलाते आ रहे हैं, आज उस लीगेसी को हमने कभी ख़त्म नहीं होने दिया। जो टेस्ट हमारे पापा के हाथ का आज से 15 साल पहले लोगों ने खाया था, और आज दूसरा जनरेशन जो उनके बच्चे हुए हैं वो भी, और प्लस जो गार्जियन थे वो लोग भी आज उसी स्वाद को खोजते हुए हमारे दुकान तक पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात है लोगों का प्यार, लोगों का विश्वास हमसे इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ है कि लगातार लोग हमारे पास सर्कुलेट हो रहे हैं, बाहर से, दिल्ली से, लखनऊ से, बनारस से, जो भी गेस्ट यहाँ आते हैं, स्पेशली अगर कोई स्टार भी अगर गोरखपुर में आता है तो उसको पता होता है कि उसको मटन बिंदास से खाना है, तो उन्होंने मटन का फरमाइश किया हमसे कि भाई मटन में हमें ये चीज़ें चाहिए, या कोई बड़े अधिकारी आए बाहर से, या फिर किसी अधिकारी की मीटिंग हुई, तो सारी चीज़ें हमने ही प्रोवाइड की हैं नॉनवेज के अगर तौर पर देखा जाए तो। आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ों को बनाया जा रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि कुछ मोबाइल वगैरह लगे हुए हैं। ये आप जो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 मोबाइलें भी लगी हुई हैं। ये मोबाइल क्यों यहाँ पे रखी गई है और इस मोबाइल का क्या काम है? इस पर ऑनलाइन चलता है, इस पर स्विगी जोमेटो का जो ऑर्डर आता है वो जाता है, और प्रॉपर 20 मिनट के अंदर हम इसका ऑर्डर रिप्लेस कर देते हैं कस्टमर का। फ्रेश तैयार करके जो यहाँ तैयार किया जा रहा है लड़के के द्वारा, बिल्कुल फ्रेश तैयार करके तुरंत पैक करा के कस्टमर के पास आधे घंटे के अंदर पहुँचवाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन भी ऑर्डर होता है, जहाँ पे नियर अबाउट आपका कहना है कि 15 से 20 मिनट के अंदर कस्टमर तक पहुँचाया जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं इधर भी कितने कार्यकर्ता लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ सारे लोग बना रहे हैं इस चीज़ को। आइए मैं आपको अंदर ले सकता हूँ। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, और ये बताइए कि यहाँ पे इस दुकान पे ऐसी कौन सी वजह है कि आप जैसे कस्टमर खींचे हुए चले आते हैं? अरे यार आप तो अजीब सवाल कर दिया है, कस्टमर क्यों ना आए? मट्टी की सोधी खुशबू जो हम लोग कभी कभी बचपन में सूंघा करते थे, आज उसी मट्टी में भोजन पका के हम लोग खिला रहे हैं, और सर क्या स्वाद, क्या चटकारे, जवाब नहीं है भैया। बिंदास तो बिंदास ही है, बिंदास ढाबा का खाना खाने का मतलब बिल्कुल बिंदास होके बोलो, गुड पर्सन, गुड लाइफ, गुड भोजन, गुड फूड, इसे बिंदास ढाबा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राहक भी इस ढाबे की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। एक लोग और हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने बोला कि बिंदास पे खाना की क्या कहा जाएगा, बिंदास है, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए शहर में कौन नहीं खोजता है आजकल मटन और चिकन खाने की, हम कह सकते हैं कि हम जंगल में भी जा सकते हैं, लेकिन जो अगर हमें टेस्ट चाहिए कहीं
तो टेस्ट खोजता हर इंसान है, तो जहाँ टेस्ट मिलेगा हम वहाँ जाएंगे। टेस्ट हमें यहाँ मिल रहा है। मैं आपको एक बताऊँ कि आप ये देख रहे हैं ना, ये मिट्टी का बर्तन है। इस मिट्टी के बर्तन में जब खाना परोसा जाता है, जब मिट्टी में बनता है और मिट्टी में ही परोसते हैं, तो इसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। इट मीन्स कि हम इसके अट्रैक्शन से यहाँ तक आते हैं और बार बार आते हैं। वजह इतना ही नहीं, अभी देखिए भैया ने एक ऑर्डर किया था, आपको ये दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो फ्राई किया हुआ ना चिकन है, ये कितना स्वादिष्ट होगा आप समझ सकते हैं। बाकी दुकानों पे जो हम लोग खाए हैं, जो वहाँ देखा है, वो यहाँ जो मिल रहा है, उन दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए हम बार बार यहाँ पे जो कस्टमर बैठे हुए हैं, क्यों ना सौंधी खुशबू मिले, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट मिला हुआ है, सबसे बेस्ट कुक का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ढाबा पे खा रहे हैं, आपको यहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा है, ठीक है। अभी तो पहली बार आए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? जनवा से। आप देख सकते हैं गोरखपुर से लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी से भी लोग आते हैं इस ढाबे पे खाना खाने के लिए। यह तो सही है कि किसी को नॉनवेज बनाने का सर्टिफिकेट ऐसे ही नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर चटकारे स्वाद को लेकर के जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि वाकई इसका कोई जवाब नहीं है। यही नहीं साहब, अब तो बिंदास पर गोरखपुर के कोने कोने से ऑर्डर आते हैं और साथ में बिंदास की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोग इंजीनियर साहब को परेशान भी करते हैं, लेकिन इनका साफ कहना है कि अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमारी खुद की फर्म है, हमने अभी किसी की फ्रेंचाइजी भी नहीं ली है और ना ही किसी को फ्रेंचाइजी दी है। तो आपने देखा इस दुकान की बहुत सारी खासियतें हैं, बहुत दूर दूर से लोग खींचे हुए चले आते हैं इस दुकान पे। इस समय हमारे साथ इस दुकान के मालिक हैं, मैं उनसे बात करता हूँ कि क्या उनके दिमाग में आया है, उनके जो एक जनरेशन पहले थे वो लोग क्या सोच के और आज पूरे गोरखपुर ही नहीं बल्कि बहुत दूर दूर तक फेमस है। आइए हम बात करते हैं। सर ये बताइए, आपकी एक पीढ़ी पहले से ये दुकान चली आ रही है, उस समय क्या दिमाग में आया, क्या गोरखपुर में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए बनाया जाए और एक आज ये गोरखपुर में बहुत एक मुकाम हासिल कर चुका है? सर जब ये ढाबा शुरू हुआ था तो मेरी स्टडी चल रही थी, मैं शायद 7th या 8th क्लास में होऊंगा, तो पापा ने मेहनत की, इस चीज़ को स्टेबल किया बिंदास होटल के नाम से, और मेरी स्टडी हुई पंजाब में। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मेरा नाम प्रणय प्रताप सिंह है और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। जब 2016 में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, मैं गोरखपुर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे ढाबा का कल्चर नहीं है, यहाँ पे कल्चर किसी और ही तरीके का था। नॉनवेज को लेके अगर एक अच्छी फैमिली है, अगर आप अपने वाइफ के साथ बच्चे के साथ कहीं भी खाना खाने जा रहे हो तो आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है। और मैं आपको ये बताता हूँ कि जो एक देसी स्वाद है हमारा, हम जो खाना खाते हैं, हमारे पूर्वांचल का जो एक मेन स्वाद है, वो किसी रेस्टोरेंट में नहीं अवेलेबल है, वो आपको ऐसे ढाबे पे ही मिल सकता है। और उस टाइम में गोरखपुर में एक भी ढाबा नहीं हुआ करता था, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट लाया 2017 में, मैंने बिंदास ढाबा की स्थापना की इस जगह पे, और हम मैंने एक ढाबा बनाया और ये गोरखपुर का एकमात्र ऐसा ढाबा तैयार किया मैंने जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठ के नॉनवेज खाना खा सकते हैं, जो उसके पहले ये चीज़ें कल्चर में नहीं थी। ऐसे करके मैंने धीरे धीरे करके मेहनत करके इस चीज़ को शुरुआत की। सबसे मेन चीज़ ये थी कि इसमें बेस्ट नॉनवेज की किया गया सारे काम, बेस्ट नॉनवेज के लिए। जैसे ऑर्डर आता है, जैसे मान लीजिए किसी कस्टमर ने ऑर्डर किया, मेरे ऐप पे वो ऑर्डर शो कर रहा है, उस ऑर्डर को मैं आधे घंटे के अंदर कस्टमर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास ऑर्डर आता है, मैं अगले 5 से 10 मिनट के अंदर बिल्कुल फ्रेश ऑर्डर रेडी करके रेडी रखता हूं। राइडर आता है और राइडर लेके तुरंत अगले जिसने ऑर्डर किया उसके घर तक उस चीज़ों को एकदम फ्रेशली और अच्छे से पैक करके पहुँचाई जाती है। स्वच्छ मतलब हर चीज़ स्वच्छ हो, शुद्ध हो और ताज़ा हो, इस चीज़ का ध्यान रख के उसको पहुँचाया जाता है। सर लगभग प्रतिदिन आपके वहाँ कितने ऑर्डर आ जाते हैं ऑनलाइन? सर अप्रॉक्सीमेट ऑनलाइन ऑर्डर लगभग 250 से 300 ऑनलाइन ऑर्डर आ जाता है हमारे यहाँ, बाकी टेक अवे और कस्टमर जो आते हैं वो आते ही हैं। आइए साहब अब बताते हैं कि यह ढाबा कहीं और नहीं बल्कि गोरखपुर के नेशनल हाईवे पर बसा हुआ बिंदास ढाबा लोगों के दिमाग में घुस चुका है। सब बिंदास होकर आते हैं और बिंदास होकर खाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, स्वाद अच्छा होगा तो बिंदास होकर लोगों को बताएंगे भी। निष्पक्ष टुडे ब्यूरो रिपोर्ट।